नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीने का सही सलीका, उत्साह, जोश, उमंग और अगर आप में सच्ची लगन हो तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सबको सिखाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कुटुंबले। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये अभी दिल्ली में हाफ ट्रायथलॉन में हाफ आयरन मैन का खिताब हासिल करके, एक मेडल हासिल करके आए हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, यानी बच्चों से जुड़ी हुई शल्य क्रियाएँ को अंजाम देते हैं। 44 साल की इनकी उम्र है, लेकिन 44 साल की उम्र में अचानक इनमें ऐसा जोश जागा कि इन्होंने लगभग 2 किलोमीटर की स्विमिंग, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और उसके बाद 21 किलोमीटर की मैराथन एक साथ पूरी की है। मुझे लगता है कि हम सभी को इनसे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये डॉक्टरी के पेशे में मज़ा नहीं आ रहा था कि अचानक आप ये दौड़ भाग क्यों करने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं है, पेशे में तो अपना अलग आनंद रहता है, मगर ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाते हैं उसके साथ में एक अपनी फिजिकल लिमिटेशन समझ में आने लग जाती है। जो वो व्यायाम हम लोग 15 से 20 25 की उम्र तक करते हैं वो हमें 40 तक तो खींच के ले जाता है, मगर 40 के बाद अपने शरीर की जो लिमिटेशन है वो समझ में आने लग जाती है। फिर ऐसा लगता है कि अगर और लंबी पारी खेलनी है तो कुछ ना कुछ तो हमें करते रहना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैंने एक हल्की एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे फिर करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। मतलब खुद को फिट रखने के लिए की गई हल्की सी एक्सरसाइज जो थी वो अचानक आपके लिए एक प्रोफेशनल ड्रीम भी बन गया। आपने सोचा कि इसमें जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उनमें भी भागीदारी करें। तो ये बताइए कि आपने कहा कि 40 के बाद तो सभी, आप खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी फिटनेस जरूरी है, थोड़ा व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन आप इसके बहुत अगले स्तर पे चले गए हैं, तो ये कैसे और क्या ये सबके लिए संभव है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा इसका शायद बीज कहीं बहुत पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक फीचर मैंने पढ़ा था जो कि आयरन मैन के ऊपर था और उस वक्त कहीं एक मन में विचार आया कि कभी इसको प्रयत्न करेंगे अवश्य। और इसके बाद में जब धीरे धीरे रनिंग करना शुरू किया, साइकिलिंग और साथ में स्विमिंग का शौक तो था ही, तो इसलिए फिर इस ट्रायथलॉन को करने का विचार आया और फिर जुड़ गए उसके अंदर। ये ट्रायथलॉन क्या होती है, थोड़ा सा हमारे वेब दुनिया के लिए, दर्शकों के लिए आप ये बताइए, ट्रायथलॉन क्या होती है, इसमें किस तरह के इवेंट्स होते हैं और इसकी तैयारी कैसे की आपने और किस तरह की बाधाओं को पार किया? देखिए, ट्रायथलॉन एक फिक्स्ड सीक्वेंस इवेंट है जिसमें आपको 3 विधाएं करनी रहती है एक के बाद एक, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। ये इवन ओलंपिक्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, ट्रायथलॉन एज अ स्पोर्ट एज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स ऑल्सो। और इसका सीक्वेंस फिक्स रहता है, स्विम, साइकिलिंग और रनिंग, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी सीक्वेंस में करना है। अलग अलग डिस्टेंस पे होती है और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है विच इज़ द आयरन मैन ट्रायथलॉन, उसके अंदर वो तो पूरा करीब करीब 17 घंटे का इवेंट रहता है। आयरन मैन 70.3 जो मैंने कंप्लीट किया वो उसमें तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं, 8.5-9 घंटे तक का टाइम दिया जाता है उसके लिए। तो ये आपने 8.5-9 घंटे का जो पूरा सीक्वेंस है, कितने कितने किलोमीटर क्या क्या किया, स्विमिंग कितनी? इसके अंदर 1.9 किलोमीटर स्विमिंग रहती है फर्स्ट, उसके बाद में 90 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके इमीडिएटली बाद में हाफ मैराथन विच इज 21.1 किलोमीटर ऑफ रनिंग बिना रुके, बीच में कोई विश्राम नहीं। आप विश्राम लेना चाहे ले सकते हैं मगर वो आपके पूरे टाइम में इंक्लूडेड रहता है। जैसे ही आप स्विमिंग के लिए एंटर करते हैं आपका टाइम शुरू हो जाता है और जैसे ही आपकी रन खत्म होती है तो आपका टाइम खत्म होता है। और बीच में जो 2 टाइम रहते हैं जो कि जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं फ्रॉम स्विमिंग टू बाइकिंग या साइकिलिंग, तो आपको गियर वगैरह चेंज करना पड़ता है। जो आप अगर वैसे भी आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जा सकते, जो प्रो लेवल रहते हैं वो लोग तो उसी सूट में टाइम वेस्ट नहीं करते, मगर अगर आप शौकिया तौर पे करते हैं तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके आप साइकिलिंग या रनिंग गियर में आ जाएं और उसको शुरू कर दें, पर वो टाइम आपके टोटल टाइम में इंक्लूडेड रहेगा, उसमें कोई रियायत नहीं रहती। केवल 2 किलोमीटर तैरना या केवल 90 किलोमीटर साइकिल चलाना या केवल 21 किलोमीटर दौड़ना भी अपने आप में बहुत थकाने वाला होता है, तो ये कैसे किया आपने, इसके लिए किस तरह की तैयारी की? देखिए, इस तरह इसके लिए आपको ये एक बेस बिल्डिंग करना होता है शुरुआत में कि आप एक एक करके आपको इंडिविजुअल इवेंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल इवेंट्स करने के बाद में आपको ट्रांजिशंस की तैयारी करनी पड़ेगी और फिर अपने अंदर इतना एंड्योरेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि आप इन सारे सीक्वेंसेस को एक साथ कर सकें। आजकल बहुत सारे युवा हैं जो फिटनेस की तरफ आकर्षित तो हो जाते हैं
और सोचते हैं कि उनको फिट रहना चाहिए, दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग, लेकिन कई बार वो बीच रास्ते में या तो इंजर हो जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, या फिर उनका अचानक से हौसला कमजोर हो जाता है। तो ऐसा क्या है जो इसके लिए आपको धैर्य के साथ लगातार करते रहना चाहिए, और किन बातों का खासतौर पर इस तरह की फिटनेस एक्टिविटीज अपनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर एक तो ये है कि सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानना पड़ता है, अपनी लिमिट्स क्या हैं उनको आपको पहले टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही एक रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। सेकंड इज डिसिप्लिन, आपको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि यू हैव टू लिव द लाइफ, आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ और कर लूँगा, तो इंडिविजुअल तो शायद आप कर सकेंगे, आप स्विमिंग कर लेंगे, आप साइकिलिंग कर लेंगे, मगर इस पूरे इवेंट को एक साथ करना है अगर, तो आपको अपना लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, रेस्ट, हम लोग रेस्ट को रिकवरी वर्कआउट कहते हैं। अच्छा। रेस्ट इटसेल्फ इज अ रिकवरी वर्कआउट, क्योंकि आपकी बॉडी जो रिकवर करती है वो भी एक वर्कआउट के ही तौर पर होता है। और कई चीज़ें, इंजुरी जैसे आपने बोला, इंजुरी प्रिवेंशन बहुत बड़ा है, हर कोई इंजर होता है। आप मान लीजिए एलीट्स जो होते हैं वो भी इंजर होते हैं, और वो एमेच्योर से ज़्यादा सीवियरली इंजर होते हैं, मगर सो इंजरी से डरना नहीं रहता, मगर आपको इंजरी होने वाली है शायद ये समझना पड़ता है, इंजरी को पहचानना पड़ता है और इंजरी से बाहर आना पड़ता है। खान पान का किस तरह का ध्यान रखना पड़ता है? लोग एक नहीं समझ पाते, कई लोग थोड़ा जिम विम जाने लगते हैं, अचानक प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं, कोई कह देता है कि खूब चिकन मटन खा लो, कोई कहता कि नहीं शाकाहार से हो जाएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। चूंकि आप डॉक्टर भी हैं और अब आपने ये कर भी लिया पूरा सफलतापूर्वक इसको, पूरा गतिविधि को, तो खान पान को लेके बहुत सारे भ्रम हैं, क्या जिम करने या दौड़ने जाने लगते हैं तो अचानक प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है क्या? देखिए, अगर आप सिर्फ रूटीन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो कि तकरीबन हम मानते हैं 45 मिनट से 1 घंटे तक हर व्यक्ति को करना चाहिए, उसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त प्रोटीन जो आप लेते हैं वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स करते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो कुछ मात्रा में प्रोटीन जो है वो लाभदायक है, और अगर आप जिम करते हैं तो भी लाभदायक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं आपको वो ही लेना पड़ेंगे। आप जो नेचुरल मात्रा में प्रोटीन आपको मिलता है वो भी बहुत अच्छा है, और कई बार तो वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। हो सकता है कि आपको मात्रा थोड़ी सी नेचुरल फूड की ज़्यादा लेनी पड़े, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपको कम मिलेगा। ये स्कूप वगैरह जो लेते हैं प्रोटीन के, ये कोई बहुत, देखिए ऐसा है कि उसके अंदर आपको एक, आपका गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रो लेवल एथलीट है, कॉम्पिटिशन लेवल पर जाना चाहता है, हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा आवश्यक है, मगर जो रिक्रिएशनल लेवल पे कर रहा है उसके लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। एक मेरे लिए बड़ी जिज्ञासा का ये प्रश्न है कि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो या तो मैराथन दौड़ने लग गए हैं, और ज्यादातर उनमें से जो हैं वो 40 पार के हैं, कुछ मैं देखता हूँ 50-55 के डॉक्टर भी हैं। ये क्या हो गया, डॉक्टरों को अचानक अपने पेशे से कुछ कम लगा, या उनको लगा कि दूसरों को हम फिटनेस की सलाह देते हैं लेकिन खुद ही फिट नहीं रहते, ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली इसमें दोनों बातें हैं, कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जैसा मैंने आपको बताया 40 के बाद में कई लोगों के पास थोड़ा सा रिसोर्सेस रहते हैं हमारे डिस्पोजल पे, क्योंकि कितना भी हम कह लें थोड़ा सा इसमें हमें खर्च करना पड़ता है। तो जब हम युवावस्था में रहते हैं हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी अलग रहती हैं, तो हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, हम इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, हम हर वीकेंड कहीं ना कहीं पेरिफेरी में जाते हैं काम करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास उस वक्त नहीं रहता। थोड़ा सा ये स्टेज ऐसी रहती है कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश हैं, तो हम अपने लिए वक्त निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये रहती है जो आपने बोला कि वॉक द टॉक, जिसको कहा जाता है कि आप अगर कुछ प्रवचन देते हैं तो आपको खुद उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे हम वॉक द टॉक अभी कर रहे हैं, इसी तरह अगर मैं, खैर मेरे पास बच्चे आते हैं, मगर मैं उनके पेरेंट्स को या हमारे घर में और लोग जो है उनको, उनसे अगर मैं कहूँगा कि भाई आपको 60 मिनट रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे कम से कम 60 मिनट तो रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी मैं कह सकूंगा उन लोगों को। बहुत खूबसूरत बात है, और हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर रजनीश कुटुम्बले को। तो ये हाफ आयरन मैन तो हो गया जी। हमने अचानक सुना एक सेलिब्रिटी है हिंदुस्तान की जो फिटनेस के लिए खूब जानती, मिलिंद सोमन, उन्होंने आयरन मैन पूरा किया अमेरिका में और खूब चर्चा में आ गए। आप जैसे डॉक्टर हाफ आयरन मैन कर रहे हैं और वो भी उतना ही प्रेरित करते हैं, तो ये फुल आयरन मैन की आपकी क्या तैयारी और कब तक का लक्ष्य है? देखिए, फुल आयरन मैन जो है वो निश्चय ही बहुत ही बड़ा लक्ष्य है,
और मैं डेफिनेटली इसको करना चाहता हूँ। हालांकि इसकी तैयारी के लिए मुझे अभी, मेरे विचार से मैं जिस लेवल पे हूँ अभी, मुझे कम से कम 2 से 2.5 साल और लगेंगे इसके लिए। और मिलिंद सोमन तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिलिंद सोमन के जो कोच हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, कौस्तुभ राडकर, जो कि इंडिया में आज आयरन मैन के इकलौते सर्टिफाइड कोच हैं। ही हैज डन 16 फुल आयरन मैन, मिलिंद हैज डन 16। और अभी भारत से एक अल्ट्रा मैन करके एक इवेंट होता है, आयरन मैन जो है वो सिंगल लॉन्गेस्ट एंड्योरेंस इवेंट विच इज कम्प्लीटेड इन 1 डे। ओके। और अल्ट्रा मैन जो है वो 3 डे इवेंट रहता है, जो कि जिसमें 10 किलोमीटर की स्विमिंग और उसके बाद में करीब करीब उसी दिन 70 किलोमीटर साइकिलिंग, अगले दिन 270 किलोमीटर साइकिलिंग और तीसरे दिन डबल मैराथन, मतलब 84 किलोमीटर रनिंग, ऐसा 3 दिन का इवेंट रहता है, जो इंडिया में सबसे पहले अनु वैद्यनाथन ने किया था 2006 में या कुछ, मुझे टाइम याद नहीं है एग्जैक्टली। और इंडिया से आज की, अभी इसी वीकेंड, जिस दिन, जिस वीकेंड पे मैं हाफ आयरन मैन कर रहा था, उसी वीकेंड पे 5 इंडियंस ने फ्लोरिडा में ये अल्ट्रा मैन कम्प्लीट किया। 5 भारतीयों ने, 5 भारतीयों ने गए थे, 46 पार्टिसिपेंट थे उसके अंदर, जिसमें से 5 भारतीय थे, जिनमें कौस्तुभ राडकर, मिलिंद सोमन, एक अभिषेक मिश्रा दिल्ली के, और 2 और व्यक्ति थे, उन 5ों ने कंप्लीट किया ये। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा मैन। वाह। तो कामयाबी की, सफलताओं की, खुद के शरीर को चुनौती देने की ये दिलचस्प कहानियां हैं जो कई बार हमारे सामने नहीं आती। मिलिंद सोमन सेलिब्रिटी हैं, उनकी जानकारी पहुंचती है, इसीलिए हमने चाहा कि डॉक्टर रजनीश कुटुम्बले इंदौर से हैं, दिल्ली में जाके इसको पूरा करके आए हैं। आप सब तक ये बात इसलिए पहुंचे कि मनुष्य जो है उसका जो जीवन है वही, उसका नाम ही चुनौती है, उसका नाम ही साहस है। लोग सोचते हैं कि 40 के बाद हम क्या कर पाएंगे। मैंने कभी एक लेख पढ़ा था कि जीवन 40 से शुरू होता है। हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इन्होंने शुरू से खेलकूद को, चुस्ती तंदुरुस्ती को अपना लिया है, वो तो बहुत सौभाग्यशाली है, और उसको ज़िंदगी भर करते रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया है, वो 40 के बाद भी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि कई बार साधनों की आवश्यकता होती है और जीवन में एक स्थिरता की आवश्यकता होती है कि आपका पेशा तय हो गया है, आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप केवल पैसा कमाते रहो और बाद में उस पैसे को अस्पतालों में डॉक्टरों के पास दो। इससे तो डॉक्टर ही खुद कह रहे हैं कि हमारे पास आने से पहले कम से कम फिटनेस पे ध्यान रखो, फिर बहुत ज़रूरी होगा तो हम तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उत्साह बढ़ाने वाला, हौसला देने वाला, जीवन में सकारात्मक सोच लाने वाला एक सबक है हम सब के लिए। अगर डॉक्टर रजनीश कुटुम्बले इतनी व्यस्तताओं के बीच, इतनी सारी दिक्कतों के बीच, अपनी जिद की वजह से हाफ ट्रायथलॉन पूरी कर सकते हैं, तो हम सब लोग जिनके पास इससे ज़्यादा समय है, वो अगर इस जुनून को अपना लें तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कर सकते हैं। हम रजनीश कुटुम्बले जी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो फुल ट्रायथलॉन की भी तैयारी करें और उसमें सफल हों। उन्होंने जैसे बताया 2.5 साल, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसा आसान भी नहीं है, ये कठिन तप है, चुनौती है, लेकिन जब जिद हो, जुनून हो, जज्बा हो, हौसला हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं है, कोई भी चुनौती कठिन नहीं है। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। थैंक यू जयदीप जी। एक बात मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैंने एक कोट पढ़ा था जी कि इफ़ यू थिंक फिटनेस इज कॉस्टली, ट्राई इलनेस। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि फिटनेस पे खर्चा जो आप करते हैं, साइकिल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दौड़ने के लिए जिम जाते हैं, उसकी मेंबरशिप भरते हैं, तो वो बहुत महंगा है, तो आप एक बार बीमार होकर देख लीजिए, बीमारी शायद उससे कहीं ज्यादा महंगी है, पैसे भी लेती है और सेहत को खराब भी करती है। तो इससे फिटनेस की तरफ ज्यादा जाना बेहतर है। पैसा खर्च होता है लेकिन सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, हौसला मिलता है, और जैसा हमारे यहाँ कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हम इसकी तरफ बढ़े और सभी लोग चुस्त तंदुरुस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ वेब दुनिया की ओर से धन्यवाद।